Let's do question number 8th of exercise 7C, that is triangles. Question number 8 is, the area of the two similar triangles are 100 cm square and 64 cm square respectively. वो कह रहा है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ़ अ मीडियन ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 5.6 सेंटीमीटर, उस दोनों ट्राइंगल्स में एक स्मॉलर है और एक लार्जर है, ये समझ में आ रहा है. तो स्मॉलर ट्राइंगल का मीडियन है 5.6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द अदर. तो हमें दूसरे ट्राइंगल का मीडियन, करस्पॉन्डिंग मीडियन निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए दो ट्राइंगल हैं, एक स्मॉलर और एक बिगर, राइट. तो मान लीजिए ये ए बी सी ट्राइंगल है और ये है पी क्यू आर, राइट. ये आ गया ई पॉइंट, ये आ गया एफ पॉइंट. हमें पता है मीडियन इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट. तो अब हम अगर इन दोनों ट्राइंगल्स हमें पता है सिमिलर हैं और हम इस ट्राइंगल ए ई बी को और पी एफ क्यू को सिमिलर प्रूव कर दें, तो हम कह सकते हैं कि हमारे मीडियन, करस्पॉन्डिंग मीडियंस इक्वल हैं. तो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, राइट. अब हमें पता है एरिया, सिमिलर ट्राइंगल्स जब होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशो भी इक्वल होता है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो गया, ए बी के स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर. हमें पता है जब भी ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट. तो ये हो गया. अब आप देखेंगे हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, राइट. तो अब इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, इन दो ट्राइंगल्स को ए ई बी और पी एफ क्यू को. तो अगर मैं ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लूँ ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आएगी, देखिए ए सी अपॉन पी आर के, तो ए सी अपॉन पी आर के इक्वल आएगी, राइट. अब ये क्यों ले रही हूँ दोनों, क्योंकि हमें ये वाले ट्राइंगल्स ए ई बी और पी एफ क्यू सिमिलर प्रूव करने हैं, तो हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड को इक्वल करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये और ये वाली साइड ली है, ये और ये वाली साइड, ये अपॉन ये इक्वल्स टू द ए सी अपॉन पी आर लिया है. अब हमें पता है मीडियन ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है एज बी ई एंड क्यू एफ आर द मीडियंस, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, सो इट डिवाइड्स ए सी एंड पी आर, पी आर इक्वली इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट. इसका मतलब है ये जो मैंने लिखा है कि बी ई क्या है, एक मीडियन है जो ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो हमारा ए ई किसके इक्वल हो गया, ई सी के. सिमिलरली हमारा पी एफ किसके इक्वल हो गया, एफ आर के इक्वल हो गया, राइट. तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, हमें ये वाले दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, देखिए ये दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इस
ई सी को भी ए ई लिख सकते हैं क्योंकि ए ई ई सी के इक्वल है। तो हम अगर ए सी लिखना है ए ई प्लस ई सी लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख रही हूँ ए सी लिखेंगे तो ए ई प्लस ई सी लिखेंगे। अब हमें ई सी को भी ए ई लिख सकते हैं, ई सी को भी ए ई लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए ई और ई सी इक्वल है, तो दैट मीन्स हम इसको ट्वाइस ऑफ ए ई लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्योंकि हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है तो इसकी जगह हम ए ई लिख लिया, इसी तरीके से हमने एफ आर की जगह पी एफ लिख लिया, तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ ए ई। इसी तरीके से हम पी क्यू को ट्वाइस ऑफ पी एफ लिख सकते हैं। अब टू से टू कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ए ई अपॉन पी एफ आ गया, तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल है किसके? ए ई अपॉन पी एफ के। तो अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को, कौन कौन से, ए ई बी और पी एफ क्यू की बात करें, इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल पी एफ क्यू की बात करें, तो हमारा ए बी अपॉन पी क्यू किसकी इक्वल आ गया? अभी अभी हमने निकाला ए ई अपॉन पी एफ के, ए ई अपॉन पी एफ के इक्वल आ गया, राइट? देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी एफ। और आप देखेंगे ये वाला ट्राइंगल एंगल ए एंगल पी के इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे पहले से ही, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, राइट? इट इज ऑलरेडी गिवन। और यहां लिख दीजिए प्रूव्ड अबव, अबव, तो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एफ क्यू, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो एस ए एस सिमिलैरिटी लग गई, रिटी। तो जब हमें, अब हमें देखिए, अब हमें उस मीडियन के इक्वल रखना है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि हमें पता है ये जो है ट्राइंगल्स के एरिए का रेशियो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होता है, लेकिन मीडियन के इक्वल नहीं होता। अगर मैं इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो कि ये वाली है, इसको इस मीडियन के स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर चुकी हूँ, जब ये इसके इक्वल है तो इसके स्क्वायर भी तो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट? तो अब मैं कह सकती हूँ बिकॉज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू किसके थी? ए ई अपॉन पी एफ के इक्वल थी, तो उनके स्क्वायर्स भी तो आपस में इक्वल हो गए। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर हो गया, राइट? तो जब इसके स्क्वायर के इक्वल हो गया तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। और इसकी जगह हमने ये मान लीजिए फर्स्ट ये लिख देंगे ए ई स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर, राइट? अब एरिया कितना दिया हुआ था ट्राइंगल ए बी सी का? दैट इज 100 और पी क्यू आर का 64। तो 100 अपॉन 64 इज इक्वल्स टू मीडियन कितनी दी हुई थी? देखिए अगर आप देखेंगे स्मॉलर ट्राइंगल, मतलब पी क्यू आर की जो हमारी मीडियन थी वो है 5.6 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स पी एफ दे रखी है हमें, ए ई निकालनी है 5.6 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100 इंटू 5.6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64 इंटू ए ई स्क्वायर। तो
ए स्क्वायर कितना आ गया, 100 इंटू 5.6 इंटू 5.6 अपॉन 64, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाया एक जीरो लग गई, दो जीरो कैंसिल हो गई, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो ए स्क्वायर आ गया हमारा, देखिए यहाँ साइड में कर रही हूँ, ए स्क्वायर आ गया हमारा 7 इंटू 7, तो ए कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7, तो एक बार 7 बाहर निकल जाएगा, तो ए आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर्स द आंसर।